मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मुसलमान बुजदिल हो सकता है? डरपोक, आपने कहा हो सकता है। अब बखील हो सकता है, कंजूस, कंजूस ही कहते हैं सिंधी में, है? कंजूस हो सकता, आपने कहा हो सकता है। या रसूल्ला, झूठ बोल सकता है? कहा नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। बुजदिल भी हो सकता है, डरपोक भी हो सकता है, कंजूस भी हो सकता है, झूठ नहीं बोलेगा। मेरा उम्मती होकर झूठ नहीं बोलेगा, मेरा उम्मती होकर धोखा नहीं देगा। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। मेरा नबी रोजाना जोहर के बाद बाजार का चक्कर लगाते थे और एक एक दुकान मंडी को खुद चेक करते थे कि शरीयत के मुताबिक है कि नहीं। हमारे उलमा को तो बाजार का रास्ता नहीं आता और उसको बुजुर्गी समझते हैं कि हम बड़े बुजुर्ग हैं, हम तो कभी बाजार जाते ही नहीं। मेरे नबी रोजाना बाजार जाते थे तो एक मंडी में ढेर लगा हुआ था गल्ले का, जौ या गंदम। बारिश हुई थी लेकिन वो खुश्क था, तो आपने अंदर हाथ डाल के ना निकाला तो अंदर से गीला। आपने कहा ये क्या किया? कहा या रसूलल्लाह, बारिश आई थी तो वो गीला हो गया था, तो कोई लेता नहीं, तो मैंने गीला अंदर कर दिया और खुश्क ऊपर कर दिया। तो आपने कहा गीला निकाल के बाहर रख ताकि ग्राहक को पता चले तेरे सौदे के ऐब का, और खुश्क को नीचे कर। फिर ये जुमला, फमन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से खारिज हो गया। कितनी सख्त बात फरमाई, जिसने रोज़ा नहीं रखा मेरी उम्मत से खारिज हो गया, ये नहीं कहा कि जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से खारिज हो गया। तो मैं दो बातें आपको बता रहा था, अल्लाह उसके रसूल दोनों की तरफ से मोहब्बत का दावा मुकम्मल हो जाए। फलयस्तुकिल हदीस इज़ा हद्दस, सच बोलना होगा ज़िंदगी भर। फलयुअद्दिल अमानत इज़ा तुमिन, किसी को धोखा नहीं देना होगा। फलयुहसिन जिवारा मन जावरहू, लोगों से अच्छा सलूक करना होगा, ख़ास तौर पर पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना होगा, चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, अपना है, पराया है, अच्छा है, बुरा है, हुस्न सलूक करना होगा। तो इस हुस्न सलूक और सच्चाई और दयानतदारी, इन तीन चीज़ों के साथ आप सियासत करो, आप तबलीग करो, आप तिजारत करो, आप हुकूमत करो, आप मजदूरी करो, आप अल्लाह उसके रसूल के महबूब हैं और अल्लाह उसका रसूल भी आपसे प्यार करें। सच्चाई, दयानत और सलूक, यानी इंसाफ, किसी पर ज्यादती ना हो, किसी पर ज्यादती ना हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का पड़ोसी यहूदी था, अब्दुल्ला बिन उमर यहूदी, उनके घर महीने में एक दफ़ा गोश्त पकता था, एक दफ़ा। जिस दिन गोश्त पकता था तो फरमाते हमारे पड़ोसी को भेजा है, तो अगर घर वाले कहते जी अभी नहीं, तो कहते पहले उसको भेजो, बाद में मैं खाऊंगा। और वो यहूदी था।